बदायूं से अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस आज सुबह शाहजहांपुर जनपद के मीरानपुर कटरा थाना क्षेत्र में हुलास नगरा में नेशनल हाईवे पर ओवरब्रिज से उतरते ही गहरी खाई में पलट गई। इस हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए, बाकी सभी को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी मिलते ही बदायूं विधायक महेश चंद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उन्हें दूसरे वाहन से रवाना किया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद लोगों का रामनगरी जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बदायूं से एक बस में सवार होकर 40 लोग अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए जाने को निकले थे। इसी बीच आज सुबह करीब 9:30 बजे बस दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर मीरानपुर कटरा के हुलास नगर के पास ओवरब्रिज पर पहुंची। ओवरब्रिज से शाहजहांपुर की ओर उतरते ही चालक का बस से नियंत्रण हट गया और बस सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गई। इससे बस में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार मच गई। उधर से गुजर रहे लोग भी चीख पुकार सुनकर ठहर गए और बस से श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। शुक्र है कि श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें नहीं आई। जानकारी मिलते ही बदायूं के विधायक महेश चंद गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर घायलों का हाल जाना और उन्हें दूसरे वाहन से रवाना किया।